मौका था बार काउंसिल के नव निर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण का। मामला पहुंच गया बार और बेंच के संगम तक। बांदा जनपद के बबेरू तहसील परिसर में नव निर्वाचित कमेटी का जिला सत्र न्यायाधीश जनपद बांदा ने पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस बीच बार और बेंच में सामंजस्य बनाए जाने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सरस्वती प्रतिमा व दीप प्रज्वलित कर जिला सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार व विशिष्ट अतिथि संजय कुमार व महेंद्र कुमार पांडे सिविल जज जूनियर डिवीजन द्वारा किया गया, जिसके बाद जेपी शर्मा इंटर कॉलेज की छात्राओं द्वारा सरस्वती व स्वागत गीत प्रस्तुत किया गया। अतिथियों को माल्यार्पण, शॉल स्मृति चिन्ह और पुष्प गुच्छ भेंट करके सम्मानित किया गया। जिला सत्र गजेंद्र कुमार ने नवनिर्वाचित कमेटी के अध्यक्ष उमाकांत तिवारी व महासचिव देशराज मौर्य सहित सभी पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। और हम जो है उमाकांत तिवारी नवनिर्वाचित अध्यक्ष हुए और हमारी कार्यकारिणी के उपलक्ष्य में हमारे मुख्य न्यायाधीश जनपद बांदा से जो है आए हुए थे और हम लोगों को शपथ दिलाई और उन्होंने हमें बताया कि आप जो है और आपकी कार्यकारिणी कर्तव्य निष्ठा और ईमानदारी के साथ कार्य करें और हम उसका अक्षर से अनुपालन करते रहेंगे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपकी वाणी को विराम देते हैं। मुख्य अतिथि जिला सत्र न्यायाधीश गजेंद्र कुमार को अधिवक्ताओं द्वारा मांग पत्र दिया गया। इस पर भरोसा दिलाया गया कि समस्याओं का जल्द निराकरण किया जाएगा। बार बेंच में सहमति जरूरी है, गरीबों से कम मूल्य लेकर न्याय दिलाया जाए और नव निर्वाचित कमेटी मिलकर काम करे और लोगों को न्याय दिलवाए। वहीं मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट संजय कुमार ने कहा कि अधिवक्ताओं को गरीब जनता के बारे में सोचना चाहिए। समाज के अंतिम पायदान तक न्याय दिलवाना बार व बेंच का काम है। इससे समाज में अच्छा संदेश जाएगा। सभी कमेटी को शुभकामनाएं दी गई। सिविल जज जूनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे ने कहा कि दूर से आने वाले लोगों से कम फीस लेकर न्याय दिलवाया जाए। सप्ताह में एक दिन निःशुल्क न्याय दिया जाए और फीस न ली जाए और जागरूकता शिविर लगाए जाने की बात भी कही गई। द पंचौरा न्यूज के लिए बांदा से अनवर रजा की रिपोर्ट। अगर आपको ये रिपोर्ट पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। साथ ही लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जुड़े रहिए अपने शहरों की खबरों के संसार के साथ, पंचौरा न्यूज़ के साथ।